तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम जीके का क्लास लेकर के आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल का परीक्षा अगर आप भी देना चाहते हो और अगर आपका दोस्त भी तैयारी करना चाहता है तो जल्दी से सारे कैंडिडेट को बिहार पैरामेडिकल परीक्षा 2023 के लिए तैयार कर दो। और सामान्य ज्ञान जीके का क्वेश्चन चल रहा है, इस बार ANM या फिर GNM आपको दिलवा के छोड़ूंगा पैरामेडिकल वाले स्टूडेंटों के लिए। टेंथ क्लास पर अगर हो तो पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, टेंथ लेवल पर आप लोग कर सकते हो। दोस्तों, हमने क्लास 1 कंप्लीट कर लिया है, सभी विषय का क्लास भी शुरू हो गया है। उसके बाद दोस्तों, हमने क्लास 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 2 का अगर आपके पास छूट गया तो क्लास 2 का भी कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। क्लास 1 क्लास 2 का दोनों वीडियो डाल देते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाइएगा, वहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा। और आज हम लोग तैयारी करेंगे क्लास 3 का, ठीक है। तो क्लास 3 यानी कि ये तीसरा क्लास मेरा होगा, तो आप लोग इस क्लास को देखिए। अगर छूट गया तो दोनों क्लास आप लोग कर लीजिएगा, घबराना नहीं है, वीडियो पड़ा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF देख सकते हो, पूरा नोट्स देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। अगर मैथ बनाते हो, कोई डाउट हो तो हमें स्क्रीनशॉट लगा कर भेजिए, मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, पैरामेडिकल वाले और पैरामेडिकल डेंटल वाले तैयार हो जाइए। ANM GNM लेना है, कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने आप लोग को कल लास्ट क्वेश्चन पढ़ाए थे कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, आप लोग को पता भी होगा, नहीं है तो समझ लीजिए। पहले 9 था, लेकिन एक ग्रह को हटा करके बौना ग्रह में कर दिया गया और 8 ग्रह अभी वर्तमान में हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू होगा वो मेरा ये क्वेश्चन होगा पहला, कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, अब 8 जो ग्रह है, इन 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के अनुसार से, ठीक है। एक होता है दूरी के अनुसार से, एक होता है आकार के अनुसार से। तो आकार के अनुसार से बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बृहस्पति ग्रह है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इसी में एक और दो डॉट क्लियर कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पर, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव रह सकते हैं, मानव जो जाति है, मानव जीवन संभव है, वो एक पृथ्वी ग्रह पर यहाँ पर संभव है, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह एक का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानामीड है, ठीक है, ज्ञानामीड, इसको याद रखेंगे। ज्ञानामीड एक उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का ही है। टाइटन एक उपग्रह है जो शनि ग्रह का है, टाइटन, ठीक है, टाइटन, टाइटन यहाँ से याद रखेंगे, एक उपग्रह है जो शनि ग्रह का है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी के एक उपग्रह क्या हो गया, चंद्रमा। तो ये सारा चीज़ याद रखेंगे, बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानामीड, शनि का टाइटन, और यहाँ पर पृथ्वी का चंद्रमा, ये 3 क्वेश्चन हुआ क्लियर। और सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति, ये 4 हो गया, और एक 8 टोटल ग्रह की संख्या है, तो ये आपको क्वेश्चन। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ याद रखिए, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया ग्रह वाला, ये एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है। अब देखिए, नज़दीक का ग्रह एक होता है दूर का ग्रह, ठीक है, तो नज़दीक का ग्रह बात करेंगे तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो नज़दीक का ग्रह की बात करिएगा तो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, कौन सा ग्रह है, बुध है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे, सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया। अब दोस्तों, इसमें यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें सबसे गर्म ग्रह कौन है। अब सबसे गर्म ग्रह की कौन है ये बताना है, गर्म, हॉट, बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये चीज़ बताना है। तो अगर गर्म ग्रह की बात करिएगा तो सबसे हॉट गर्म जो है अभी हॉट है वो शुक्र ग्रह है, ठीक है, तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है टोटल ग्रहों में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, पृथ्वी का भगिनी किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी का भगिनी, ठीक है, पृथ्वी का भगिनी किस ग्रह को कहा जाता है, बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र, बताइए। तो पृथ्वी का भंगनी की बात करिएगा तो आप लोग को शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, शुक्र ग्रह को। तो ग्रह से हमने 7-8 क्वेश्चन क्लियर किया, आप लोग याद रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए, अभी हमने बताया है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा, किसका होगा, यहाँ पर लिखने में गलत हो गया, किसका होगा, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह किसका है ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। तो अभी ही इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है ज्ञानामीड, ज्ञानामीड एक उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह का है, ठीक है। टाइटन जो है वो आपको पहले बता दिया, शनि का है,
उसका चंद्रमा पृथ्वी का है, ठीक है, तो ये आपको उपग्रह हो गया। उसके बाद दोस्तों लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र, पृथ्वी, शनि या फिर मंगल, तो बताना है यहाँ से लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो अगर लाल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, किसको, मंगल को, ठीक है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, अब ज्वालामुखी की बात करते हैं, ठीक है, सौर मंडल का पूरे सूर्य मंडल में ज्वालामुखी सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन है एटना ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी, ओलिपिस मेसी ज्वालामुखी या पोपा ज्वालामुखी, तो बताइए पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे, ओलिपस मेसी ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, अब यहाँ देखिए पर्वत आ गया, ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करेंगे तो पारसनाथ पर्वत, कौन सा पर्वत, सॉरी ये गलती हो गया, ये आंसर नहीं होगा, अगर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करिएगा तो निक्स ओलंपिया पर्वत है, ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत है जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ से याद रखेंगे निक्स ओलंपिया पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ से, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, अब देखिए सारे टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, पॉलिटिकल का शुरू हो गया है, इससे पहले आप लोग देख रहे थे यहाँ पर कि ज्योग्राफी का शुरू हुआ था, अब यहाँ पर देख लेते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है, अब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किस राज्य से लिया गया है बताइए फटाफट। तो यहाँ पर बात करेंगे मौलिक अधिकार का, तो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो आपको कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड से, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, अब ये सारा क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ VBA क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और कितने बार पूछे जा रहे हैं, जो ANM का एग्जामिनेशन यानी कि बिहार पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन दे के आए हैं उनसे पूछेगा, आपको बता देंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कितना आते हैं, समझे, बहुत ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए एक एक करके देखेंगे। अब देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार तो आयरलैंड से लिए जाते हैं, हमने समझ लिया, अब नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो आयरलैंड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से तो मौलिक अधिकार लिया गया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, 46 नंबर का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा, ये आयरलैंड नहीं होगा, ठीक है, वो गलती बता दिया था, सॉरी इसके लिए, तो यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखेंगे, ठीक है, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, वहाँ उल्टा हो गया था, तो आयरलैंड यहाँ याद रखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, अब मौलिक कर्तव्यों का, वो मौलिक अधिकार था और ये मौलिक कर्तव्य है, दोनों में अंतर है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के, यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया, अनुसूची, अब देखिए टोटल अनुसूची कितना है, 22 अनुसूची है, इसे याद रखेंगे, 22 अनुसूची है और 22 भाग है, भाग बात करेंगे तो भाग 22 और अनुसूची 12 है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, ठीक, तो किस अनुसूची में बात किया गया है, SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, SC और ST जो जाति होता है उसके, जो जाति होता है उस के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस में उल्लेख किया गया है, तो चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, किस अनुसूची में, ठीक है, तो SC ST की अगर बात करिएगा और इसके प्रशासन नियंत्रण के बारे में, तो अनुसूची 5 में रखा गया, किस में, अनुसूची 5 यहाँ से याद रखेंगे, अनुसूची 5 में हम लोग को रखा गया SC ST के जो प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख जो किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं कि संविधान, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान है, ये क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसे याद रखेंगे, अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान रखा गया,
तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में टोटल बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। अब देखिए जब भारत देश स्वतंत्र हो गया 1947 ईस्वी में, तो सबसे पहले एक गठन किया गया एक राज्य का, वो भाषा के आधार पर किया गया, तो किस राज्य का किया गया था वो बताइए। हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे कैंडिडेट जानते होंगे, इसलिए डायरेक्ट आंसर का जिक्र कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर रखा गया था। अब देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है, देखिए तेलंगाना एक नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी आप लोग को बताइएगा कहाँ पे है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइएगा कहाँ, क्योंकि दोनों अलग हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया। अब हम लोग एक भारत के नागरिक है, तो किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया, पहले ही बता दी कि टोटल यहाँ पर अगर बात करोगे तो 22 भाग है, ठीक है, 22 भाग में किस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भाग की बात करेंगे तो भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में यहाँ पर आप लोग बात कर लीजिएगा तो नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, अब देखिए साइंस से क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, एडिसन, निकोल टेस्ला, किसने किया था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन किए थे, जे थॉमसन। यहाँ से देखिए मैं 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, तीनों याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे यहाँ पर देख लिए, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है जे थॉमसन कर रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की बात करिएगा तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था, और न्यूट्रॉन का चैडविक किया था, ठीक है, तो जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और यहाँ पर चैडविक न्यूट्रॉन का खोज, तो ये तीनों याद रखेंगे क्योंकि कोई भी पूछ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिन एक परमाणु कणों में, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु के कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए विपरीत की बात कर रहा है, इसका सीधा बात है प्रतिकर्ण कहे जाते हैं इसको, क्या कहे जाता है, प्रतिकर्ण कहे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा देते हैं फिर इसको एंड करेंगे। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, देखिए न्यूट्रॉन खोज अभी हमने बताया है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक किया था, अभी बताया है चैडविक किया, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात करते हैं कण बोसोन का संबंध किस नाम से है, कण बोसोन का संबंध किस नाम से, यहाँ पर नाम दिया गया है जैसे जे बोस, एस एन बोस, न्यूटन, आइंस्टीन, किस नाम से कण बोसोन का संबंध है, तो कण बोसोन का संबंध की बात करेंगे तो एस एन बोस से कण बोसोन का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमाणु की परमाणु संख्या के निम्नलिखित में से किसी की संख्या पता चलता है, देखिए किसी परमाणु का अगर पारमाणविक संख्या पता करना है तो इनमें से किससे चलता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या से, या फिर एक और ऑप्शन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या से। तो किसी परमाणु की अगर पारमाणविक संख्या जानना है तो सबसे पहले उसका प्रोटॉन की संख्या प्राप्त कर लीजिए, जो प्रोटॉन की संख्या होगा वही उसका प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है। तो इसका जो परमाणुक जो संख्या ज्ञात करेंगे तो प्रोटॉन की संख्या से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, निम्नलिखित में किस परमाणु की संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है, फास्फोरस की तुलना में किस परमाणु संख्या अधिक है, तो क्लोरीन का, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, देखिए क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है, SPDF, ठीक है, ये क्वांटम संख्या कहलाता है SPDF, ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है मगध जनपद की, ठीक है, 16 जनपद थे और 16 जनपद में एक मगध जनपद भी था, तो मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मगध जनपद की राजधानी राजगिरी था, ठीक है, ये राजगिरी, ऑप्शन बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों आपने टोटल यहाँ पर 60 तक क्वेश्चन आज करवा दिए हैं,
पूरा डिटेल्स के साथ करवाएं, पूरा याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन जो बताने में उल्टा पुल्टा हो जाता है, वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी, उसको इग्नोर करके सही आंसर जो हमने बताया उसको याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लग रहा है क्लास कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ, आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये होमवर्क हो गया आपका क्वेश्चन का, हमें बताइएगा इसका आंसर कौन है, कमेंट कर दीजिएगा जिन जिनको क्वेश्चन का आंसर आता हो जैन धर्म का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह के नए नए क्लास लेकर आएंगे। कल होगा तो हिंदी का क्लास करा देंगे, फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस शनिवार रविवार तक में सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सबको शेयर कर दीजिए, सबको शेयर करके सबको जोड़िए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।